आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीर सावरकर की बायोग्राफी को देख रहे हैं। पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये उसका पार्ट टू यानी कि भाग दो है। पार्ट वन में मैंने बहुत कुछ समझाया, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों जगह आप मुझसे लेक्चर की PDF ले सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया, इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। और जो एग्जाम्स कवर नहीं हुए हैं, ऑप्शनल कोर्सेज और भी बनाए जा रहे हैं, हिस्ट्री UPSC के, UGC नेट के सब्जेक्ट्स के और कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए स्टडी आईक्यू के साथ। इन कोर्सेज को फिलहाल आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए एक रिकैप देख लेते हैं। वीर सावरकर जो कि बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, क्रांतिकारी थे, 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के जिले नासिक के छोटे से गांव भागूर में इनका जन्म होता है। जी हाँ, भागूर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम होता है दामोदर सावरकर और इनकी माताजी का नाम होता है राधाबाई। शुरू से ही ये शिवाजी की कहानी सुनते हैं, गोविंद सिंह जी की कहानी सुनते हैं, शुरू से ही इनका खून जो है वो और लाल हो जाता है। क्रांतिकारी की भावना उसी समय वेल एस्टैब्लिश हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। 9 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत, इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके कुछ साल बाद इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। ये टोटल 4 भाई बहन होते हैं दोस्तों। गणेश सावरकर इनमें सबसे बड़े होते हैं और दूसरे नंबर पे होते हैं वीर सावरकर, फिर नारायण और फिर मीना। ठीक है, ये पूरा परिवार ही रेवोल्यूशनरी होता है। जी हाँ, पूरा परिवार क्रांतिकारी होता है। अभिनव भारत जो 1904 में वीर सावरकर ने बनाया था, गणेश सावरकर और वीर सावरकर ने साथ मिलकर बनाया था। तो क्या है दोस्तों कि दो तीन इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी इन्होंने बनाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मित्र मेला, 1900 में मित्र मेला बनाया था। ये बेसिकली लड़कों का, इनके दोस्तों का, और जो लड़के होते थे जिनमें क्रांतिकारी की भावना थी, क्रांति की, भारत को आजादी मिलनी चाहिए, उन्होंने मिलकर ये मित्र मेला बनाया था। इनका काम था ये लोगों में चेतना जगाते थे, लोगों को अवेयर करते थे, प्लस ये फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करते थे। गणेश उत्सव बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज करते थे, गणपति फेस्टिवल को, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती, शिवाजी, ये सारे के सारे फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज करते थे। ये चाहते थे कि सारे हिंदू जो हैं यूनाइट होके इन सबको भगा दे। उसके बाद 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की भी स्थापना की, यही एम था। फिर उन्होंने लंदन में जाके फ्री हाउस बनाया। अब दोस्तों क्या, फ्री इंडिया बनाया। अब दोस्तों क्या है कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है उसके बाद ही, ठीक है, नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तो दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ और स्प्लिटिंग से पहले एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू होता है, स्वराज, डिमांड फॉर स्वराज। हमको तो भैया अब सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, ठीक है, आजादी चाहिए। तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वीर सावरकर। फर्ग्यूसन कॉलेज में उस समय पढ़ रहे होते हैं, BA के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं की होली जला देते हैं, सब कुछ जला देते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती है तो कॉलेज से उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो लॉ की पढ़ाई करने, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, लॉ की पढ़ाई करने वो लंदन जाते हैं। और 1909 में एक इतना बड़ा काम कर देते हैं, वो पूरी बुक छाप देते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई थी उसको बोलते हैं। ये कोई सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिशर इसको सिपाही म्यूटिनी बोलता था। लेकिन यहां पे वीर सावरकर बोलते हैं नहीं, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। लेकिन ये बुक जो है, इस तरह की बुक, क्रांतिकारी विचारधारा की बुक आप नहीं छाप सकते, ब्रिटिश आपको उठा के फांसी पर लटका देगा। उनका तो यही पॉलिसी थी कि आवाज नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सबसे ज्यादा डरता था कि लोग कहीं ना जाग जाए, अगर लोगों की चेतना जाग गई तो मार मार के भगा देते ब्रिटिशर को। और यही अल्टीमेटली हुआ भी, ठीक है, सबने रिवोल्ट कर दिया था। बाद में आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया था, नेवी ने रिवोल्ट कर दिया था, लोग जाग गए थे तो ब्रिटिश भागे दुम दबा के, ठीक है। तो यहां पे 1857 की जब ये बुक लॉन्च होती है तो इसको स्मगल किया जाता है, ठीक है। अब वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पार्ट वन में क्या हुआ था, कैसे स्मगलिंग हुई थी, किस तरह से भीकाजी कामा ने इसमें कमाल का काम किया था। क्योंकि ये बुक जो थी ना, अगर पता चलता कि इसमें वीर सावरकर की विचारधारा है या कुछ इस तरह का है, कोई क्रांतिकारी विचारधारा है, तो वहीं पे बुक को तो जला ही दिया जाता, साथ में वीर सावरकर को भी खत्म कर दिया जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है दोस्तों। AMT जैक्सन जो कि उस समय नासिक के मजिस्ट्रेट कलेक्टर होते हैं, दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में कमिश्नर बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी, वो जल्दबाजी में मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो वो कलेक्टर होते हैं ICS
क्वालिफाई करते हैं, उस समय इंडियन सिविल सर्विस था, तो सिविल सर्वेंट थे वो ब्रिटिश की तरफ से और नासिक के कलेक्टर थे, इनको गोली मार दी जाती है। 37 लोगों का नाम जो है वो चार्जशीट में फाइल किया जाता है, उसमें से एक होते हैं, मतलब दो होते हैं इनके भाई गणेश सावरकर और वीर सावरकर। तो दोनों को फिर जेल में पेश किया जाता है और फिर वीर सावरकर को 1910 में 50 साल का आजीवन कारावास लाइफ इंप्रिजनमेंट है दे दिया जाता है। मैं जरा बोर्ड साफ कर देता हूं। तो उसके बाद दोस्तों इनको अंडमान एंड निकोबार भेजा जाता है। अब अंडमान एंड निकोबार में है सेल्यूलर जेल, वो और खतरनाक, वहां पे जिंदगी बिताना, ठीक है, पेन और कागज इनको दिया नहीं होता है, लिखने के शौकीन होते हैं तो दीवारों पे खून से नाखून से कविता लिखते हैं ये, जी हाँ। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये दया याचिका दाखिल करते हैं 1911 में, 1913 में, फिर 1917 में इनकी याचिका को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद फिर प्रेशर बनाया जाता है तो काफी कैदियों को सेल्यूलर जेल से छोड़ा जाता है और 1924 में फाइनली, जनवरी 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन शर्त यह होती है कि 1937 तक बेटा तुम कुछ भी नहीं करोगे, इन पे बैन लगा दिया जाता है। अब दोस्तों यहां से क्या है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, वीर सावरकर और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑलरेडी आ चुका होता है, भारत को काफी हद तक कंट्रोल जो है यहां पे सरकार का मिल गया होता है, इलेक्शंस होते हैं और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस सूपड़ा साफ कर देती है, सारी सीटें आईएनसी को मिलती हैं। देखिए दो बहुत बड़ी पार्टीज होती हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है, मुस्लिम लीग हार जाती है। तो मुस्लिम लीग साइड में, हिंदू महासभा साइड में, हिंदू महासभा के लीडर चुने गए थे ये 1937 में, ठीक है। तो जो कड़वाहट है वो और ज्यादा गहरी होती जाती है, ठीक है। यहां पे ये मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट करने लगते हैं वीर सावरकर, ठीक है। देखिए ये टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सावरकर का ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की सभ्यता, दोनों के इतिहास बिल्कुल अलग है। लेकिन वीर सावरकर बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान कोई ऐसा देश जो है वो बनाया जाए, लेकिन फिर भी वो सेपरेशन चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो लेकिन देशों का बंटवारा ना हो, ठीक है। तो मुस्लिम लीग से भी यहां पे वो जाके जिन्ना से भी मिलते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी करते हैं इंडियन मूवमेंट। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं दोस्तों तो क्या है कि महात्मा गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1939 में वॉर हो जाती है, वर्ल्ड वॉर टू। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू का शुभ आरंभ होता है, शुभ नहीं वैसे दुखद आरंभ बोलना चाहिए, ठीक है, जब आरंभ हो जाता है तो यहां पे जो समय वाइस रॉय होते हैं ललितगांव, लॉर्ड ललितगांव, वो क्या बोलते हैं कि भारत भी वॉर में है। कांग्रेस के लीडर्स बोलते हैं क्या पागल अगल हो गए, क्या दिमाग दिमाग खराब है, अब हमारे पास सरकार है, कोई वॉर में नहीं जाएगा, कोई भी भारतवासी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। लेकिन लॉर्ड ललितगांव बोलते हैं नहीं नहीं भारत वॉर में है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब क्या है दोस्तों, यहां पे वीर सावरकर बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर गांधी जी एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि कोई भी भारतवासी वॉर में नहीं जाएगा और यहां पे ब्रिटिश के खिलाफ एक मूवमेंट चालू कर दो। लेकिन यहां पे वीर सावरकर बोलते हैं लोगों से कि वॉर में जाओ, ठीक है, कम से कम युद्ध के अभ्यस्त होंगे तो वॉर में जाओ। तो ये भी डिफरेंसेस जो थे वो और ज्यादा बढ़ते गए और फिर दिक्कतें होती गई। 1923 में बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की थी, हिंदुत्व, किस तरह से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, ये सब कुछ इस बुक में उन्होंने लिखा था। इसमें भारत को पुण्य भूमि माना गया था, सब कुछ यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, सब कुछ जो है वो एक है। लेकिन जो डिफरेंसेस थे ना वो बहुत ज्यादा थे। वीर सावरकर ने सीधा बोल दिया था कि गांधी जी के मूवमेंट में हम बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे, जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट है ये हम साफ बोल दे रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी इनका कभी पीछा नहीं छू। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दोस्तों बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे वीर सावरकर से, हर लीडर इंप्रेस्ड था, क्योंकि ये जो देशभक्ति की इनमें भावना थी ना और इस तरह से पुरजोरी से आजादी का जो समर्थन करते थे वो उसे शहर को इंप्रेस होता था। इनकी डेथ के बाद, जब इनकी डेथ हुई थी तब इंदिरा गांधी ने भी डाक टिकट छपवाए थे इनके नाम से, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इनको दोबारा अरेस्ट किया जाता है। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में मार दिया गया था, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी।
तो वीर सावरकर को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है बाद में, हालांकि इनको छोड़ दिया गया था क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला था कि हम अगर तुम पे शक होगा तब भी हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, तो उस हिसाब से इनको अरेस्ट किया जाता है। आरएसएस पे पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है, हालांकि बाद में ये बैन हटा भी लिया जाता है। और उसके बाद फिर वीर सावरकर को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन एविडेंस ना होने के कारण इनको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाता है। लेकिन इन पे बैन फिर लगा दिया जाता है कि कोई भी तुम ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो। तो उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये जो है अपना व्यू, अपना विजन सबको बताते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बुक्स उन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिश की हैं, आप देखिएगा इनकी। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, वो जरूर पढ़िएगा, जो 1857 की बुक है, कमाल की लिखाई है उसमें, जो हाथों से इन्होंने अपने लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है, बाइबल साबित हो गई थी ना बाद में, तो ये चीज है। तो अब क्या है दोस्तों कि हिंदुत्व के ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। इनका जो हिंदू राष्ट्र है ना दोस्तों, वो तीन चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो है ज्योग्राफिकल यूनिटी, मतलब भारत एक हो, वन हो, यहां पे कोई लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से, ज्योग्राफिकल के हिसाब से नहीं बांटा जाना चाहिए, सिर्फ एक भारत बनाना चाहिए ताकि हर कोई यूनाइट रहे, किसी में कोई हीन भावना या ऊपर वाली भावना नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकेंड नंबर पे जो था वो था जातीय गुण। अब इसको वर्ण सिस्टम से मत जोड़ के देखिएगा दोस्तों, जो वर्ण सिस्टम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं ऐसा नहीं था, ये जातीय गुण अलग है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जो एक चीज बोली थी वो बोला था संस्कृति। संस्कृति मतलब क्या है कि एक भाषा होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। अब या तो संस्कृत चुन लो या फिर हिंदी चुन लो, एक भाषा में सबको बांट दो तभी हम एक्चुअली में पेट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म को रियलाइज कर सकते। अगर 50 भाषाएं होंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर लोगों में वो यूनिटी कभी रहेगी नहीं। तो एक भाषा होनी चाहिए, और भारत का इन्होंने हमेशा पुण्य तिथि माना था। अब दोस्तों पुण्य भूमि माना था। अब दोस्तों क्या है कि जैसे ही गांधी जी का मर्डर होता है, अब नाथूराम गोडसे तो आरएसएस के थे तो इसीलिए आरएसएस पे बैन लगा दिया जाता है, और इनके घर पे भी हमला होता है, जो मॉब्स होता है वो इनके घर पे भी काफी पत्थरबाजी करता है, इनको भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। अब 1963 में दोस्तों क्या होता है कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 1965 आते-आते ये भी काफी बीमार रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगते हैं। तो उसके बाद फिर एक टाइम पे ये खाना दवाई सब छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अब मेरा लास्ट वक्त आ ही गया है, आत्म अर्पण मैं कर रहा हूं, जब तक मरूंगा नहीं तब तक भूखा रहूंगा। और अल्टीमेटली 26 फरवरी 1966 में मुंबई में, उस समय तो बॉम्बे था, इनका देहांत हो जाता है। एक बहुत बड़े लीडर थे दोस्तों, आज भी इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। वैसे तो इनकी इतिहास में इतना ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं रहता इनकी जो स्टोरी है, लेकिन अच्छी बात है कि अब चीज़ें बदल रही हैं और ये भी सामने आ गए हैं और एक बहुत बड़े लीडर थे। हाँ, इनके जीवन में कॉन्ट्रोवर्सी रही है, बहुत लोग इनको नहीं भी मानते हैं, बहुत लोग मानते भी है। डेमोक्रेसी है, हर किसी के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, ये आपके ऊपर है, माने चाहे ना माने, लेकिन मेरा काम है फैक्ट्स आपके सामने रखना। अब जरा इनके व्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदूवादी विचारधारा को इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया 1923 में। 1923 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, हिंदुत्व हु इज अ हिंदू। अपने पॉलिटिकल व्यूज, अपने रिलीजियस व्यूज पूरी तरह से बढ़ गए थे। हालांकि इसमें ये जो जितने भी मतलब जो कुप्रथाएं हिंदू की, उस पर भी ये वार करते हैं, ठीक है। जैसे ये गौ पूजन को नहीं मानते हैं, ठीक, ये मानते हैं कि सबसे पहले इंसान है, ठीक है, उसके बाद जानवर आता है। तो गाय की पूजा करना इतना ज्यादा रैशनल नहीं है, ठीक है, वो एक परिवार का हिस्सा है, ठीक है, परिवार का हिस्सा है, लेकिन उसकी पूजा करना ये सही नहीं लगता। लेकिन वो ये मानते हैं कि भैया घर घर में हिंदू है, खून में हिंदू है, डीएनए में हिंदू है, ठीक है, पूर्वज जो है वो सबका हिंदू है, इनडायरेक्टली यही बोलते हैं। और जैनिज्म सिखिज्म ये सब कुछ एक है, हमारी संस्कृति 4-5 हजार साल पहले से है और हम जो है हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे, इसलिए हिंदूवादी राष्ट्र की कल्पना करते हैं ये। और इन्होंने अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को भी नकार दिया था, ये खुद का ही अपना विचार इनका था और खुद का ही ये कानून बनाना चाहते थे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि तीन चीजों पर इन्होंने बल दिया था, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी
संस्कृत पे और हिंदी पे इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था कि एक लैंग्वेज चुन लो, या तो वो संस्कृत चुन लो या हिंदी चुन लो। दोस्तों संस्कृत की बात करो तो ये एडवांस लैंग्वेज है, आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता है संस्कृत का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यस और भी साइंस के प्रोजेक्ट्स में किया जा सकता है और किया जा रहा है। लोग अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश में तो एक पूरा स्कूल है जो इसको डेडिकेटेड है, रोज सुबह संस्कृत के श्लोक जपवाए जाते हैं ताकि आपका ब्रेन पूरी तरह से रिफॉर्म हो जाए। और आप आज के जमाने में अगर आप संस्कृत बोलें आपको पागल समझेंगे, गंवार समझेंगे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो विलुप्त होती जा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी ये एक साइंटिफिक भाषा है दोस्तों। और ऐसा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर किसी ने संस्कृत समझ ली तो वह हर भाषा को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो सावरकर ने भी यही बोला था कि एक भाषा के हिसाब से हम चीजों को देख सकते हैं और यूनिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज के हिसाब से लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, जो डिविजन्स है भारत में वो तो भाषा के आधार पर ही है, जो गुजराती बोलते हैं गुजरात, जो मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भारत हो ताकि हर किसी को इसी यूनिटी का एहसास हो, क्योंकि यही यूनिटी नहीं थी इसीलिए ब्रिटिश जो है वो यहां पे आ गए थे। उसके बाद फिर पुण्य भूमि भारत को मानते हैं कि भारत जन्मदाता रही है और हर किसी को भारत ने शरण दी है, और हिंदू जो है वो हमेशा से सरवाइव किया है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक सोच है, अखंड भारत की इन्होंने हमेशा से कल्पना की थी। दोस्तों वैसे तो इनके व्यूज जो हैं वो ही एक पूरा टॉपिक का विषय है, ये जो इन्होंने बुक लिखी थी इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देंगी। और अगर मुस्लिमों की बात करें तो दोस्तों ये मुस्लिमों से कभी नफरत नहीं करते थे, ये बोलते थे कि मुस्लिम जो हैं वो अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है। तो ऐसा अगर सोचे कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू अलग रहेगा और मुस्लिम अलग रहेगा, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और वही क्रिश्चियन से भी बोला उन्होंने, ठीक है ये हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू अलग है बिल्कुल, और सबका पूर्वज इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि ये सब हिंदू हैं। ओरेटर तो बहुत बढ़िया थे ही, और ये उनके व्यूज थे हिंदूवादी विचारधारा को लेके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो मैं फिलहाल आप पे छोड़ूंगा, लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो ये मेरा पूरा वीर सावरकर पे एक एनालिसिस था, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच।